हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एडीएल फार्मेसी। फार्मेसी फील्ड में दो बड़ी खबरें ट्रेंड कर रही हैं। पहली, आपका एग्जिट एग्जाम लागू हो गया है और दूसरी, फार्मासिस्ट के लिए रजिस्ट्रेशन बंद कर दिया गया है। ये दो बड़ी खबरें बहुत ही ज़्यादा सुनने को मिल रही हैं। दोस्तों, अगर आपने अभी डी फार्मा किया है और डी फार्मा करने के बाद अगर आपका रजिस्ट्रेशन ही बंद कर दिया जाए तो आपको गुस्सा तो लाजमी है, लेकिन इन दो बड़ी खबरों में क्या है सच्चाई, आइए जानते हैं आज की इस वीडियो में। देखिए, फार्मासिस्ट रजिस्ट्रेशन कराकर ही अपना लाइसेंस प्राप्त करता है और अगर उसका रजिस्ट्रेशन ही बंद कर दिया जाए तो सोचिए। खैर, कोई नहीं। देखिए, पहले रजिस्ट्रेशन कराने के लिए अपने स्टेट की फार्मेसी काउंसिल में जाना होता था, बट अब आपका रजिस्ट्रेशन ऑनलाइन कर दिया गया है, जिसके ऑनलाइन होने से फार्मासिस्ट स्टूडेंट्स को काफ़ी राहत मिली है। देखिए, कई स्टूडेंट्स जो अदर स्टेट से बिलोंग करते हैं, उनकी कमेंट्स आ रही थी कि सर, हमारे स्टेट में रजिस्ट्रेशन नहीं हो रहे हैं, क्या सर एग्जिट एग्जाम लागू हो गया है? तो देखिए, PCI ने अपना ऑफिशियल नोटिफिकेशन में बताया था कि जब तक एग्जिट एग्जाम की डेट नहीं आ जाती तब तक रजिस्ट्रेशन बंद नहीं होने चाहिए, लेकिन ऐसे में कई स्टेट से सुनने को मिल रहा है कि रजिस्ट्रेशन बंद कर दिए गए हैं। तो देखिए दोस्तों, जब तक एग्जिट एग्जाम से रिलेटेड कोई ऑफिशियल नोटिफिकेशन नहीं आ जाता तब तक हर एक स्टेट में रजिस्ट्रेशन की प्रक्रिया चलती रहेगी। एग्जिट एग्जाम की डेट आते ही रजिस्ट्रेशन भले ही रुक जाए, बट बिफोर दैट रजिस्ट्रेशन कंटिन्यू रहेंगे। तो दोस्तों, अगर आपकी ट्रेनिंग कंप्लीट हो चुकी है तो आप अपना रजिस्ट्रेशन करा सकते हो, उसके लिए आपको ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन करना पड़ेगा। तो गाइज, ये थी फार्मेसी फील्ड से रिलेटेड न्यूज़। दोस्तों, अगर आप भी डी फार्मा या बी फार्मा, यानी अगर आप भी फार्मेसी स्टूडेंट्स हो, तो हमारे यूट्यूब चैनल एडीएल फार्मेसी को सब्सक्राइब जरूर कर लेना।